अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन किसका था? ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए, हाउ मच, एक मंथ में आप कितने हद तक कमा सकते हो, कितनी आपकी रेंज हो सकती है, और लीगल वे क्या है पेमेंट बनाने का, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमने थोड़ा सा बारीकी डिटेल में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स पर किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और उनका क्या रोल होता है और वो वहाँ पर किस तरह से हम जो है ना पैसे कमा कर उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ ई कॉमर्स पर, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट जैसा कि ई बे हो गया, अमेजोन हो गया, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट ऑनलाइन सेलिंग सेल्स के लिए, प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए। आप कितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स खरीद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेल्स अरबों लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से, ठीक है, अमेजोन और ईबे पर, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। और इनके अलावा दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पर, और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज वगैरह वगैरह, इनमें कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, वो हो गई ई कॉमर्स। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको एक बॉटल दे रहा हूँ, मीन्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे रहा हूँ, आप मुझे ये सेल करके दो, लेकिन बेसिकली उसकी प्राइस क्या होगी, $1, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेलिंग यू $1, ठीक है, तो उसकी मैं प्राइस रख दूंगा $5। अगर आप उसे सेल करोगे तो मुझे, मैं आपको दूंगा $3, ठीक है, तो फिर भी मुझे $1 का मजीद मुनाफा हो जाएगा ना। आप दिन रात एक कर कर मुझे $1 वाली जो है ना प्रोडक्ट मुझे $5 में सेल करके दोगे और मैं आपको दूंगा $3, सही है, जिसमें से उसकी तो एक्चुअल जो प्राइस होगी वो $1 होगी, फिर भी मुझे $1 बचेगा ना, इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बहुत जो है ना बड़ी मार्केटिंग प्लेस है ये एफिलिएट। आपको कोई टास्क देंगे, वो उनको आप टास्क पूरा करके दो, आपको उसकी पेमेंट देंगे, बस डायरेक्ट, इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, सही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करके दो और फिर आपको उसकी जो है ना प्राइस मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ये स्किल बेस्ड जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में आ जाता है। आप कुछ भी ग्राफ, कुछ भी डिज़ाइनिंग करो, मिसाल के तौर पर क्लॉथ की डिज़ाइन करो, होम की डिज़ाइन करो, और जो है ना शूज़ की डिज़ाइनिंग करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आप डिज़ाइनिंग करो, या ग्राफिक बेस्ड जो है ना ये आप ऑनलाइन अर्निंग करो। ये भी मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको, आपके पास थोड़ी बहुत ग्राफिक स्किल हो, आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की स्किल हो, कलर मैचिंग का पता चल रहा हो, तो फिर आपको मैं वो वेबसाइट्स बता दूंगा, आप उन वेबसाइट्स पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। राइटिंग बेस पर आप ऑथर बन जाओ, जो है ना आप बहुत बड़े राइटर्स बन जाओ, किसी मैगजीन के लिए कुछ राइट करो, या पब्लिशर बन जाओ, किसी मैगजीन के पब्लिशर्स बन जाओ, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखते जाओ, या ऑथर बन जाओ, पोस्ट लिखो वगैरह वगैरह उसके लिहाज से। पेपाल की मदद से, पेपाल एक जो है ना ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग सर्विस है जो आके पूरी दुनिया से कहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पेमेंट के लेन देन के लिए बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर मैं, आप किसी से डोनेशन ले रहे हो, आप कोई कार्य खैर में काम कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी कोई मदद करे, मैं इस कार्य खैर को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं जो है ना इस कार्य खैर में बहुत जो है ना आगे चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पर ईदी पाकिस्तान में है और बहुत सारी NGOs हैं जो कि जो है ना डोनेशन पर चलते हैं, वो डोनेशन रिसीव करते हैं लोगों से और उन डोनेशन के ऊपर वो जो है ना गॉड ब्लेसिंग काम करते हैं, ठीक है। आप इस तरह से जो है ना डोनेशन ले सकते हो, कोई काम कर लो नेक, और उस नेक कार्य खैर में आपसे लोग जो है ना हिस्सा बटाएंगे, तो वो पेपाल का अकाउंट होता है, वो आप पेपाल अकाउंट एक्टिवेट करा कर जो है ना ये भी सर्विस एक्टिवेट करा सकते हो। और ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि एक
फ्रीवेयर वेबसाइट्स होती हैं, आप वो वेबसाइट्स बनाओ, उन वेबसाइट्स पर कुछ कंटेंट्स रखो इंफॉर्मेटिव, आप पर लोग आएंगे वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, लेकिन आप उसकी साइट्स में कुछ एड्स वगैरह दे दोगे तो उन एड्स से आपकी अर्निंग होगी, तो वो भी ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं ब्लॉगिंग को, ठीक है। जो नॉन प्रोफेशनल नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जस्ट वो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, बस वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के ज़रिए उनकी तरफ लोग आते हैं और वो लोग उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस तो कर लेते हैं लेकिन वो एडवर्टाइज भी साइड में जो है ना देख लेते हैं, तो उस एडवर्टाइज को देखने के जो है ना उनको पेमेंट रिसीव होती है। वो क्या प्रोसीजर होता है, PPC CPC वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको वह बता दूंगा, और कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉग्स के लिए अपनी एड्स देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या किसी स्किल के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या कुछ चीज़ प्रोडक्ट सेल करो उसके थ्रू अर्निंग करना चाहो, तो ये सब कुछ आप जो है ना कर सकते हो। क्रिएट मेंबरशिप साइट्स, मेंबर बनाओ, सही है, और उन मेंबर्स को कुछ कंटेंट्स जो है ना एक्सेस दो, और उस कंटेंट्स के आप चार्ज करो। मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन जो है ना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा, तो मेंबर लॉगिन होंगे, उनसे मैं मेंबरशिप के जो है ना चार्ज करूंगा, फिर उनको जो है मैं एजुकेशन दूंगा। मिसाल के तौर पर एक मंथ का कोर्स कोई मुझसे लेगा तो मैं उसको एक मंथ के कोर्स की मेंबरशिप की चार्जेस कर लूंगा, फिर उसको मैं वो एरिया एक्सेस करने दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ और इस कोर्स को लिमिटेड एक्सेस में लगा दूँ और कोई मेंबर आए मेंबरशिप बनाकर उसके जो है ना आगे लेके जाऊँ, ठीक है। ईमेल लिस्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग मतलब यह है कि बेतहाशा करोड़ों की तादाद में जो है ना मैम क्या कहते हैं कि ईमेल्स होती हैं, आप उन ईमेल्स पर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना मार्केटिंग करो, किसी की एडवर्टाइजिंग करो, इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ये ईमेल के ईमेल मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो है ना, लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आ जाते हैं, बस उसके ऊपर वो ईमेल सेंड करते रहते हैं, उनकी मार्केटिंग होती रहती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ सेल करनी हो या कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो, एडवर्टाइज करनी हो ईमेल के थ्रू, सही है। तो क्रिएट एडसेंस साइट, एडसेंस बेस्ड जो साइट होती है गूगल एडसेंस की जो है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइट बनाओ, सिर्फ गूगल एडसेंस की जो है ना एड्स को ही डिस्प्ले करो, तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। डोमेन्स को सेल करो, जो नेम होते हैं ना वेबसाइट के उनको सेल करो, उन जो है ना उनसे भी जो है आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक डोमेन है वो ले लो, उस डोमेन की जो प्राइस है 1000, तो आप जो है ना उसे 1500 में आप सेल कर सकते हो, सही है, तो 500 का आपको मुनाफा हो गया। ये तरीक़ेकार भी डोमेन खरीद करना, डोमेन लेना वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको एक क्लास है वो मैं ऐड कर दूंगा, डोमेन किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से ख़रीद किया जाए वगैरह वगैरह, उसकी क्या जो है ना डिमांड है, ये सब कुछ डोमेन में मैं आपको बता दूंगा। सेल्फ पब्लिश या बुक, एक बुक लिख लो आप, अगर आपके पास कोई स्किल है इंग्लिश के लेवल पर, मैथमेटिक्स के लेवल पर, साइंस के लेवल पर, या कोई ऐसी एजुकेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उस बेस पर आप थोड़ी सी बुक बना लो, 50 पेजेस के 100 पेजेस के, और वो जो है ना आप बुक को पब्लिश करो, सेल करो, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन। वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कहाँ पर जाकर आपको ये बुक्स पब्लिश करनी है, किस तरह से वो बुक आपकी सेल होगी, ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। SEO एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक खास तरह की सर्विस होती है, वो आप सर्विस दे दो, किसी की वेबसाइट हो बिजनेस नहीं कर पा रही हो, आप उसको सर्विस दे दो SEO की, और उसकी वेबसाइट बिजनेस करना शुरू कर दे, तो जो है ना आप अपनी SEO के चार्जेस कर लो। क्रिएट वेब टूल्स का मतलब ये है कि आप प्लगइन्स बना लो वर्डप्रेस साइट्स के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स बना लो, बैकलिंक्स क्रिएट वगैरह, या कुछ जो टूल्स लोगों की मदद करें, जैसा कि कन्वर्टर बना लो, जो है ना मनी एक्सचेंजर बना लो, जो है ना करंट क्या कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस बता रहा हो, ऐसी कोई प्लगइन्स वेब टूल्स बना लो जो कि लोगों की मदद करें, उसकी मदद से भी आप जो है ना अर्निंग कर सकते हो। क्राफ्टिंग, आप कोई अपने घर बैठे कोई काम कर रहे हो, वो उस काम को ऑनलाइन कर सेल करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, जैसा कि हाथ पर जो काम किया जाता है घरों में, बहुत सारी लेडीज़ करते हैं पाकिस्तान में, आप उनकी जो डिज़ाइंस हो गई, उनकी जो कल्चरल जो है ना ड्रेसेस हो गई, वो आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन, इसे क्राफ्टिंग कहते हैं,
मिसाल के तौर पर जो कि पाकिस्तान की सकाफत है, आप पाकिस्तान की सकाफत को वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रमोट करना चाहो तो उसे क्राफ्टिंग कहते हैं। घर बैठे जो लोग बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, जेन्युइन पीसेस। फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफर बन जाओ जो है ना, कहीं पर जो मौसम अच्छा हो जाए और वहाँ पर फोटो फोटो करो, फोटो सेशन करो और फोटो को सेल करो। उनकी वेबसाइट कौन सी होती हैं जो कि फोटो सेल परचेज करते हैं आपके फोटोग्राफी की, आपको या फोटोग्राफर एज जो है ना हायर करते हैं, आप उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको। यूट्यूब पर किस तरह से अर्निंग की जाए, ट्यूटोरिंग, आप कुछ जो है ना कोर्स बनाओ, कोर्स बनाकर उसको जो है ना सेल करो उस हिसाब से, या ऑनलाइन आप टीचिंग करो इस हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हो। बिल्ड अ नाइस वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाओ जो कि लोग आपसे खरीद करें, डिज़ाइन करो, वो भी आप कर सकते हो स्किल के बिहाव पर, ठीक है। डेटा एंट्री आपके पास कोई स्किल नहीं, आपके कीबोर्ड की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप डेटा एंट्री बेस पर मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा ऑथेंटिक, जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर हो जाओ फ्री में, और जो आपको टास्क दें वो आप उसको टास्क पूरा करके दो, डेटा एंट्री का आपको पेमेंट रिसीव होगी, वो भी मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि मेरी खुद की जो है ना वेरीफाइड है, मैं आपको बता दूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि गांव गांव, शहर शहर, सिटी सिटी, वर्ल्ड वाइड जो है ना ये मार्केटिंग क्रेज आ गई है, तो ये भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हो। किस तरह से, एक प्रोडक्ट है आप उसको सेल करो, उस पर आपको कमीशन मिलेगी, अगर ये कमीशन मल्टी लेवल होगी, मिसाल के तौर पर 6 आदमी रजिस्टर होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए और 6 आदमी लेकर आते हैं, ऐसे मीन्स 6 × 6 आपकी जो है ना कमीशन बढ़ती जाएगी। आप फर्स्ट रजिस्टर बनोगे, आपके साथ 6 लोग आ जाएंगे, उन 6 लोगों के साथ दूसरे 6 लोग आ जाएंगे, इस तरह से जो है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। ईबे, अमेजोन पर आप, ये मैंने आपको बता दिया ई कॉमर्स के थ्रू। रिसीव पेमेंट, आप पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे, ये जो है ना आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्या कहते हैं कि आप ऑनलाइन कोई जॉब कर रहे हो या ऑनलाइन स्किल आपकी जो है ना किसी के प्रोजेक्ट्स कर कर उसको दे रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर और उनसे पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो पाकिस्तान में या किसी और जगह पर, पेमेंट रिसीविंग सिस्टम मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा, ये जो है ना प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। गूगल एडसेंस, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। शॉर्ट लिंक्स अर्निंग, इसके बारे में भी हम जो है ना आपको बताएंगे किस तरह से जो है ना कुछ लिंक्स होती हैं, उन लिंक्स पर क्लिक कर एडवर्टाइज, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ टास्क होती हैं, कुछ जो है ना सर्वे करना पड़ते हैं कुछ वेबसाइट्स को, उन लिहाज से वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग किस तरह से की जाए, और डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन कर उस तरह से अर्निंग किस तरह से की जाए। ऑनलाइन फ्रॉडी लोग कौन से होते हैं, लीगल वे से अर्निंग किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। और कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, सही है, जिसकी मदद से आप फ्रीलांस, ईलांस, ओडेस्क, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। ईलांस, ओडेस्क, ये बेसिकली बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फ्रीलांस, ईलांस, ओडेस्क वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा जहां पर आप जाकर रजिस्टर होकर जो है ना प्रोजेक्ट ऑनलाइन रिसीव करो, फिर उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दो, आपको उसके पेमेंट्स मिलेगी, वो पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे ये मेथड मैं आप सबको बता दूंगा अपने इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल की क्लास में, ठीक है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।